हेलो फ्रेंड, हम आज बात करेंगे सनशाइन की डीसी मशीन, जिसको हम कैसे यूज करेंगे और कैसे इस पे वर्क करने वाले हैं। तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं, जो हम इसको यूज किस तरह से करते हैं। तो आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो फटाफट हमारे चैनल को लाइक और से सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर जो मेरा सेटअप है, जो कि यहाँ पर पूरा का पूरा सेटअप लगा हुआ है, और मैं इस डीसी मशीन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले ये ऑन ऑफ का बटन है, तो इसको जैसे ही ऑन किया, डीसी मशीन मेरी ऑन हो गई। इसमें क्या होता है कि एक एक करके ये चार चैनल होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये चार चैनल होते हैं जो जीरो होते हैं बिल्कुल भी, इनमें कुछ ऐड नहीं होता है, लेकिन इसमें हमें ऐड करना होता है। तो इसको हम किस तरह से ऐड करते हैं और किस तरह से हम इस पे एक एक करके इसको कैसे काम यूज़ लेते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि जैसे हम डीसी मशीन को ऑन करेंगे, तो ये हमारा, जैसे मैंने इसको बंद किया और वापस ऑन किया, तो ये फर्स्ट वाला इसमें आ गया कि इसमें मैंने कितना सेट कर रखा है। तो मैंने इसमें 0.9 यानी 1 वोल्ट से भी कम वोल्ट सप्लाई दे रखी है, और एम्पियर है जो 5 दे रखा है, जो हमारी सेकेंडरी लाइन, जैसे 1 वोल्ट की कम की लाइन के अंदर हम शॉर्ट किलर यूज करते हैं इसमें। तो इसलिए ये मैंने 1 नंबर पे बना के रखा है इसको। और आप यदि चाहते हो कि इसमें कुछ अलग ही बनाया जाए, तो उसमें अलग ही ऐड हो जाता है। और जो मैंने दूसरा सेट किया है, वो वाला है ये वाला, जो कि हम फोन को, एंड्रॉयड मोबाइल को ऑन करने के लिए हमें 4 वोल्ट और 2 एम्पियर की ज़रूरत होती है, तो हम उसके लिए ये वाला वोल्ट को सेट करके रखा है। तो एक एक करके ऐसे हमको हर स्टेप इसमें ऐड करके रखना है। जैसे अगला हम लेते हैं कि 3 वाला, तो 3 वाला मैंने ये ऑन किया, तो ये 4 वोल्ट 5 एम्पियर। तो ये 4 वोल्ट 5 एम्पियर कैसे, किस यूज के लिए हैं, तो मैं बता दूं आपको कि 4 वोल्ट 5 VPH की लाइन की शॉर्टिंग निकाल सकते हैं हम अच्छी तरीके से, फुल शॉर्ट फोन को हम बना सकते हैं, उस लाइन में रोजिन पेस्ट डाल सकते हैं, फिर यहाँ पे शॉर्ट किलर का यूज कर सकते हैं। तो हमें एक एक करके सबको ही चेक करना है और सबको ही बनाना है, तभी हमारा ये डीसी मशीन अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो हमारा जैसे ही फ़ोन आया कि हमें क्या करना है, तो अगला मैं बता देता हूँ आपको, 4 नंबर पे 12 वोल्ट दे रखा है मैंने, क्योंकि ये डीसी मशीन है वो 30 वोल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, 30 वोल्ट 5 एम्पियर की, तो मैंने यहाँ पे 12 वोल्ट को ऐड करके रखा है। 12 वोल्ट को कितने वोल्ट को, 12 वोल्ट को। तो 12 वोल्ट आप सोचोगे कि किस यूज, क्या यूज होता है उसका, कैसे आप यूज करते हो 12 वोल्ट 2 एम्पियर को। तो मैं, जो बैटरी बिल्कुल भी डिचार्ज रहती हैं, जो मोबाइल में चार्जिंग कनेक्ट करने पे भी एम्पियर कुछ नहीं लेती हैं, तो उस बैटरी को उठाने के लिए 12 वोल्ट 2 एम्पियर की एम्पियर सप्लाई को देता हूँ, फिर वो हमारा काम करता। और इसमें एक और भी सिस्टम है, जो कि इस वाले बटन को जैसे देखना कि मैं ऐसे यूज़ लिया, तो यहाँ पर 1.5 वोल्ट 5 एम्पियर, कितना 1.5 वोल्ट 5 एम्पियर आ गया। यहाँ वापस करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, किधर भी घुमा लो, बस ये एक ही दफ़े में होता है, किधर भी घुमा लो, लेकिन ये हमारा। अब इसको हमें क्या करना, ऑन करना है, तो ऑन करना है तो ऑन ऑफ का दबाओ, तो यहाँ आ जाएगा 1.5 वोल्ट की सप्लाई चालू है हमारी, है ना। तो जैसे हमने वापस इसको क्लिक किया तो 12 वोल्ट आ गए। अब जैसे हमने वापस इसको ऑन ऑफ को दबाया, तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई चालू हो गई। जैसे अभी इसको हम करेंगे तो ये 1.5 वोल्ट हो गया, और इसको वापस करेंगे तो इस तरह हमारा वोल्टेज को हम ऐड करते हैं। और ये तो सारा जो मैंने बताया, ये मेरा पहले ऑलरेडी सेट था वो बताया, अब मैं उसमें ऐड करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम पहले वाले में चेंज करते हैं, तो हमने इसमें 1 नंबर को ओके किया, फिर यहाँ पे ओके किया, तो यहाँ पे बत्ती ब्लिंक करने लगी। तो यहाँ पे हम, ये बत्ती जैसे ब्लिंक करेगी तो हम उसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें कितने वोल्ट देंगे, यहाँ पे देखना कि हम जैसे इसको किया तो ये वोल्टेज बढ़ने लग गया, तो मैं इस पर
3 वोल्ट और 9, मतलब 4 वोल्ट की सप्लाई होगी, 3.7 से 4.2 की, यानी इसके बीच का वोल्टेज हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो गया, तो अब ये नीचे वाला, तो यहाँ पे हम अब इसको यहाँ इस तरह से ये इस बटन का भी यूज़ कर सकते हैं, इस बटन का यूज होगा जो इधर उधर साइड में करने के लिए हमारा काम आएगा। जैसे जैसे हम इसको हमने क्लिक किया और इस पे जाएंगे और जैसे इसको हम डाउन करेंगे तो ये वाला होगा, तो इसमें हम ये कर दिया और इस पे हम ये 0 यानी 3.9 और 1 एम्पियर ये हमने लॉक कर दिया, इसको लॉक यानी ये लॉक हो गया। तो अब ये हमारे एक नंबर में, जैसे जैसे हम इसको बंद करके वापस चालू करेंगे तो एक नंबर में यही शो होगा 3.9 और 1 एम्पियर, ये हमारा जो कीपैड का फोन होता है उसके लिए काम आएगा। तो इस तरह हम एक एक करके इनको हमको चेंज करेंगे। जैसे कि मान लो कि ये वाला है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इस पे दबाएंगे तो ये 4 वोल्ट हैं, तो इसको 4 वोल्ट को जैसे हमने ऐसे दबाया और ऐसे ऐसे करेंगे इधर उधर, तो ये हमारा वोल्ट बढ़ता जाएगा। और इसको साइड में लेना है तो इस वाले बटन को यूज़ करेंगे तो ये साइड में चला जाएगा, और जैसे हमें नीचे लेना है तो इस वाले को वापस दबाएंगे तो नीचे भी आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमें ऐड करने का ऑप्शन मिलता है इसमें। और जो कि ये तो सभी ऐड करने का तरीका है, जैसे कि ये इसको लो करना है, ये लो का हो गया, और जैसे इसको दबाएंगे तो वापस यही कंडीशन आ गई, यहाँ पे हमारा 0 0 या कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको हमें सेट करना, तो कैसे करेंगे, इस पर दबाएंगे, इसको दबाने के बाद इसको दबाएंगे वापस, इसको दबाएंगे 4 वोल्ट हो गया, जैसे इसमें कितने वोल्ट भी दे सकेंगे लेकिन हमें 4 ही चाहिए, नीचे वाले को और दबाएंगे और इस पर जाएंगे तो हमें 5 एम्पियर हो गए, इस पर जाएंगे तो इस पर भी 5 एम्पियर भी हो गए। तो इस तरह से वोल्ट को सेट किया जाता है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें कितने कीपैड का यूज हो चुका है, इसमें इसका 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 और इसका और ऑन ऑफ का, ऑन ऑफ तो और इसका 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 सबका बता दिया मैंने, अब बचा 2 और 3। तो अब जैसे ही हम इसको बंद करेंगे और वापस ऑन करेंगे तो ये वाला आ गया, उसमें हम जैसे हमें 3 नंबर का शॉर्ट किलर यूज करना है तो इसको दबाएंगे और इस ऑन ऑफ को दबाएंगे, ऑन ऑफ को दबाएंगे जैसे ही हमारा ये सेक्शन काम करने लग जाएगा। जैसे मान लो कि ये वाला बंद है, हमें कीपैड फोन को ऑन करना है, कीपैड फोन को ऑन कैसे करेंगे, इसको एक नंबर को दबाएंगे ऐसे ऑन, इसको दबाएंगे जैसे ही ये हमारा चलने लग जाएगा। और जैसे मान लो कि हमें बैटरी चार्ज करना है तो इस पर दबाएंगे और इसको करेंगे तो भी हमारा बैटरी चार्ज होने लग जाएगा। जैसे हमें शॉर्ट किलर बनाना है डेड पॉइंट की सप्लाई को, तो इसको यूं घुमाएंगे, यूं घुमाने के बाद ये हमें डेड पॉइंट 5 की ये हमारी जो डेड वोल्ट की सप्लाई है वो बन के तैयार हो गई। तो इस तरह से हम एक एक करके इन एस बनेंगे। अब हमारा बच्चा ओ सी पी क्या काम करता है, जो हमारे डीसी के अंदर जो कहीं से हमें हाई वोल्टेज मिलता है उसको बचाने में, जैसे मान लो कि पीछे कुछ भी शॉर्ट सर्किट होता है तो मेरी हमारी डीसी ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी, ऑटोमेटिक ही ये वोल्टेज को काट देगी इस वाले बटन से। तो ये हमें जैसे भी हम काम करते हैं तो उसको ऑन करके ही रखना है, ये नहीं कि हम ऑन करके नहीं रखेंगे, जैसे इसको ऑन करके रखेंगे। और अगला जो हमारा है ओवीपी क्या काम करता है, जैसे हम इसको ओवीपी को ऑन करके रखेंगे तो ये दोनों में यहाँ लाइट आ जाएगी, ओसीपी और ओवीपी ये दोनों सर्किट, ये तो इस डीसी को बचाने के लिए है, और ये वाला है ओवीपी, ये इस हमारे जो भी मोबाइल हैं उसमें हम कनेक्ट करते हैं तो मोबाइल को बचाने के लिए ओवीपी का यूज किया जाता है। यदि हमारा ओवीपी ऑन नहीं है और हम जैसे पिन को कनेक्ट कर देते हैं, यदि कहीं पर भी शॉर्टिंग हो गया तो हमारा फ़ोन डेड हो सकता है बिल्कुल भी, पूरी लाइन उसकी जलकर खाक हो जाएगी, बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। तो इस तरह से ये वाला यूज होता है। जैसे इसका यूज कहाँ नहीं लेंगे, इसका यूज हम बैटरी को चार्ज करेंगे या उस पर झटका मारेंगे तब इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यदि ये ऑन रहेगा तो हमारा बैटरी झटका काम नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली वोल्टेज को कट करता जाएगा। तो उस टाइम इसको हमें बंद करके रखना है। तो सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। और अगले वाला है जो ये 3 पिन बच्चे हैं, जो ये प्लस की हैं और ये माइनस की,
ये वाली माइनस की है, और ये वाली है जो हमें ग्रीन पिन है वो रेड के साथ अटैच करके रखना पड़ता है, क्योंकि यदि ये वाला ऐड नहीं है तो कभी कभी बार हमारा फ़ोन ऑन नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो BSI और BIT उसका वो फंडा होता है उसमें ये वाला प्रॉब्लम करता है। तो ऐसे ही हमने सारा DC मशीन पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, और आगे चलकर हम जो इसमें बताने वाले हैं कि हमारे इसमें खास क्या है, चार चैनल, और ये चार के चार अलग अलग स्टेप में होते हैं। ये लॉक हो गया, OCP हो गया, OVP हो गया, और ये ऑन ऑफ हो गया, ये हमारा सेट करने के लिए हो गया, ये उधर उधर साइड में इनको डिस्प्ले को करने के लिए हो गया, और ये वाला हमें वोल्टेज को यहाँ करने के लिए हो गया। तो इस तरह से हमें ये सारा देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और तब तक के लिए बाय बाय। ओके फ्रेंड, थैंक यू।